You're watching श्रवणे मुक्ति चैनल। क्या होता है पति को अनुगमन करना, जैसे पोती चाहती है पति की प्रसन्नता के लिए उनके समस्त कर्म चेष्टा होती है। तुम आए हो समाज के मंगल के लिए, तुम साधारण नहीं हो, इस तरह से समझाए, बहुत समझाए। लेकिन विष्णुप्रिया माता समझने वाली कहाँ है, चतुर्दश वर्षीय है, अल्प उम्र, बहुत रोए बहुत रोए। तब महाप्रभु देखे यहाँ भी तो चलेगा नहीं, हमको छुप करके ही जाना पड़ेगा, छुप करके ही जाना पड़ेगा। तो महाप्रभु क्या किया है, थोड़ा बाहरी दिखावा सांसारिक लोगों जैसे व्यवहार करना शुरू किया है। अभी उतना रोना पीटना नहीं है, महाप्रभु घर में आते हैं जैसे सांसारिक जीवन में जैसे कर्म करते हैं ऐसे कर्म कर रहे हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं सो रहे हैं, धर्म प्रचार भी कर रहे हैं, परिणाम प्रचार भी कर रहे हैं। आप सोचिए मतलब समझ लिए हैं कि हमारे बेटा बहुत अब घर में आ गया है, अब शायद बेटा संन्यास नहीं लेगा, थोड़ा सा अस्वस्थ हो गए हैं सोची माता विष्णु प्रिया। लेकिन उधर व्याकुलता तो बढ़ गया है। अब सोची माता मन में तो ये संदेह गई नहीं कि निमाई पंडित संन्यास लेके चला जाएगा, गए हैं श्रीवास पंडित के पास जाकर के आलोचना करते हैं, हमने सुना है निमाई पंडित ऐसे संन्यास लेके चला जाएगा, तो आप क्या कहते हैं। तो श्रीवास पंडित तो जानते हैं, जो निमाई पंडित तो साधारण नहीं है, वो स्वयं दिखाए हैं कौन है, पूर्ण ब्रह्म सनातन पुरुषोत्तम भगवान, अष्ट प्रहरिया भाव से महाप्रभु सबको बुला बुला करके अपने स्वरूप को प्रदर्शन कराए हैं, देखो मैं कौन हूँ, साक्षात भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन। इसलिए श्रीवास पंडित जानते हैं तो भगवान है, वो तो लीला करने के लिए आए हैं, क्या समझाएं। फिर भी शोची माता को समझाएं बहुत तरह से, मैया अब चिंता मत करो, हम लोग तो है आपको कोई कष्ट होने नहीं देंगे, निमाई ऐसा कर्म नहीं करेंगे जिससे आप दुखी हो जाओ, ऐसे करके समझा बुझा करके शोची माता को भेजे हैं। अब निमाई पंडित सोच लिए अब हम संन्यास लेंगे। यह है माघ महीना का पौष संक्रांति, माघ संक्रांति के दिन उत्तरायण, उस दिन शुभ लग्न देख करके महाप्रभु सोचे आज हम गृह त्याग करेंगे। घर में जाकर के मैया को कह रहे हैं, मैया आज तुम दूध से ना लौकी है ना उसको घीस करके अच्छा खीर बनता है, उसको दुग्ध लकलकी कहते हैं, दुग्ध लकलकी ये बंगाल में प्रसिद्धि है। शोची माता बहुत सुंदर बनाते थे उसको, दूध को गाढ़ा करके इस तरह से उसको बनाते थे, महाप्रभु को बहुत प्रिय था। तो कहते मैया आज तुम दुग्ध लकलकी बनाओ, हम आज मन में इच्छा हुई आज हम तुम्हारे हाथ से दुग्ध लकलकी खाएंगे। तो मैया ने बहुत प्रश्न, निमाई तो कुछ कहते ही नहीं है, खाते ही नहीं, आज निमाई के मन में क्या आया दुग्ध लकलकी खाने का, दूध मंगाए और इस तरह से बनाए, खुआ बनाए, खीर बनाए, और भी मोचा घंटो, केला का मोचा, इसका बहुत सुंदर सब्जी बनाती थी शोची माता, अभी भी प्रसिद्ध है बंगाल में मोचा घंटो, केला का जो फूल होता है ना, वो फूल से भीतर का वो जो छोटे छोटे होता है ना, वो लेकर के बड़े सुंदर सब्जी बनता है, वो बंगाल में प्रसिद्ध है, इधर उसका प्रचलन है नहीं। तो मोचा घंटो आदि बनाए बड़ी सुंदर, मैया का हाथ से बड़ी तृप्ति से महाप्रभु खाए हैं, खा करके रात को विष्णुप्रिया देवी को बड़े आदर से शयन किए, एक ही कक्ष में शयन किए हैं, बहुत आदर किए हैं, आज ही तो यहाँ विदाई लेंगे महाप्रभु। कि विष्णुप्रिया देवी तो माता जगत जननी जगत माता, जो इतना दिन तो पतिदेव हमको तो आदर किए नहीं, इतना दिन तो भाव में विभावित तो हो करके हा कृष्ण करके रात्रि जागरण करते थे, आज पतिदेव देखो पतिदेव बड़े प्रसन्न हो गए हैं हमारे ऊपर, बड़े प्रसन्न हो गई विष्णु प्रिया माता, सो गई एकदम सुंदर निद्रा, इतना दिन तो निद्रित निद्रा क्या वस्तु ये तो देखे नहीं,
क्योंकि पतिदेव तो रात भर जगे रहते हैं, कीर्तन करते हैं, कभी रोते हैं कभी हंसते हैं, और विष्णुप्रिया माता देखते रहते हैं भगवान के वो व्यकुलित भाव जो देखते रहते हैं। लेकिन आज पतिदेव का मन में क्या आया, विष्णुप्रिया को लेकर सो गया। विष्णुप्रिया माता जगत जननी बड़े प्रसन्न हो गई, जो आज हमारे भाग खुल गया, आज पतिदेव देखो हमको कितना आदर कर रहे हैं, सो गए हैं। आप मध्य रात्रि अतिक्रांत तो प्रभात आया नहीं, अंधकार है, ब्रह्म मुहूर्त में शिशु सोए हैं, बाहु उपाधान हाथ के ऊपर विष्णुप्रिया माता सोए हुए हैं, महाप्रभु आस्ते आस्ते अघोर निद्रा में सोए हैं, और महाप्रभु वहाँ ताकिया को रख करके आस्ते आस्ते उठ करके महाप्रभु जा रहे हैं और काल निद्रा में जगत जनिन वता सो रहे हैं। जैसे काल निद्रा कहाँ से आ गया, अघोर निद्रा, इतना दिन सोए नहीं, आज जैसे समस्त निद्रा देवी जैसे आकर के उनके ऊपर हावी हो गई है, काल निद्रा आकर के घेर लिया, जान भी नहीं पाए जो हमारे प्राणनाथ हमको छोड़ के जा रहे हैं, फिर कभी मिलने के लिए आएंगे नहीं, फिर कभी आएंगे नहीं, ये तो जान नहीं पाए, अघोर निद्रा में सो रही है, चारों ओर निस्तब्ध शांत शोची माता सो रही है। अब महाप्रभु उसी समय नित्यानंद प्रभु के पास पहले कह दिए हैं, तुम गंगा के किनारे में रहना, मैं आ रहा हूं। और महाप्रभु और दो एक जन भक्त थे, पहले कह दिए हैं जोधनंदन आचार्य और का एक जन भक्त थे, बोल दिया हम आएंगे ब्रह्म मुहूर्त में, महाप्रभु जा रहे हैं संन्यास लेके। समस्त नदेर चांद नदिया के चंद्रमा आज अस्तमित होते जा रहे हैं, नदिया के आनंद आज स्तब्ध होते जा रहे हैं, नदिया के समस्त गरिमा महिमा सब जैसे आज अस्तमित होते जा रहे हैं। महाप्रभु गंगा के किनार में जाकर के नित्यानंद प्रभु ठाड़े हैं, जोधनंदन आचार्य ठाड़े हैं, और दो एक जन भक्त विशेष ठाड़े हैं। आप जाएंगे कंटक नगर की तरफ, जहां वहां संन्यास लेने के लिए जाएंगे केशव भारती के पास। आप महाप्रभु अपने स्वरूप में स्थित हो गए हैं, अब हमको नई लीला करनी है, हमको जाना है, महाप्रभु जान रहे हैं जहां हमको जाना है, लेकिन कोई जान नहीं पाया। प्रातः काल होते ही तो चारों ओर क्रंदन रोल पूरा नदिया वासी, पूरा नवद्वीप वासी चारों ओर हा कृष्ण हा गोविंद हा गौर सुंदर हा गौर सुंदर आ निमाई चांद कहां तुम, बोल करके विलापमय क्रंदन, समस्त नवद्वीप वासी क्रंदन में एक दुख संतप्त सागर में जैसे डूब गए हैं, और नदी चांद नदिया के चंद्रमा अस्तमित हो रहे हैं। महाप्रभु जा रहे हैं कंटक नगर की ओर संन्यास लेकर के, आप संन्यास धर्म अवलंबन करके महाप्रभु और कुछ लीला करेंगे। तो आज की कथा है विश्राम, फिर हम लोग चलेंगे महाप्रभु कैसे संन्यास लेते हैं क्या करते हैं। जय जय श्री राधे निताई गो Subscribe to our YouTube channel.